अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तासीर, वेलकम टू माय चैनल तासीर हंटिंग। आज मैं आपको कुछ एक्यूरेसी स्टेप्स बताऊंगा। जो स्लिंगशॉट के बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी यूजफुल है, ठीक है। हर बंदा वीडियो देखे, जो बंदा स्लिंगशॉट नई नई जिसने चलानी स्टार्ट किया वो उसके लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। 6 स्टेप्स हैं एक्यूरेसी के, उसको मैं बताऊँगा, वो आपने वन बाई वन नोट कर लेने हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप, हाउ टू होल्ड योर स्लिंगशॉट, मतलब आपने ग्लेल किस तरह पकड़नी है। तो ये देखें, कुछ लोग ग्लेल पकड़ते वक्त ग्लेल को इस तरह कर देते हैं, कुछ लोग इस तरह कर देते हैं, या फिर कुछ इस तरह करते हैं ग्लेल को, या कुछ इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो आपका सबसे क्रुशियल और फर्स्ट स्टेप जो है ये वाला है कि आपने जब ग्लेल पकड़नी है, अगर 90 डिग्री पे आप यूज़ कर रहे हैं ग्लेल को, तो सबसे पहले आपने ग्लेल को अपना कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। लाइक अब ये देख रहे हैं, मेरा ऊपर वाला बिट और फोर्क का टिप और नीचे वाला बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है। तो इससे शॉट लेने में आसानी होती है। और दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने अपना पाउच किस तरह लोड करना है। तो ये आपका एमओ है, और ये देखें, ये जो इसका होल है ना बिल्कुल सेंटर वाला, तो इस होल पे आपने इसको जो है ना अपना फिट करना है इस एमओ को, ठीक है। और आपका पाउच पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आपकी फ्रंट फिंगर है, तो इस तरह आपने इसको मिडिल पे रखना है इस तरह, और मिडिल पे रख के और अपने थंब के साथ जो है ना इसको इस तरह पकड़ना है, ठीक है। ये आप वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और जब आपने शॉट लेनी है तो आपने इसको इस तरह और इस तरह, ये देखें, इसमें फ़र्क आ रहा है, इस तरह भी फ़र्क आ रहा है, ये इसका बिल्कुल इक्वल पॉइंट है, ठीक है। इक्वल पॉइंट है इसका, इक्वल पॉइंट ये है इसका, और इस तरह अगर जब शॉट लेंगे तो ये शॉट इसका सीधा जाएगा। अगर आप इस तरह रखेंगे या फिर इस तरह रखेंगे तो इसमें आपका मसला बन सकता है, आपका जो है ना वो आपकी एम अच्छा नहीं हो सकता, एम अच्छा नहीं होगा। एंड थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप आपका जो है वो आपके एंकर पॉइंट, ठीक है। आपका एंकर पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये देखें, ये आपकी चिक और ये आपकी लिप्स के दरमियान ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये आपका एंकर पॉइंट है, ठीक है। ये देखें, ये आपका एंकर पॉइंट, और चौथा स्टेप आपका जो आपने एम लेना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिशियल स्टेप होता है स्लिंगशॉट शूटिंग में, टारगेट शूटिंग में। तो वो ये है कि जब आप एम लेते हैं तो समटाइम बंदा, अभी मैं इस वक्त जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर अक्सर मैं शिकार पे होता हूँ, ठीक है। तो जब बंदा प्रैक्टिस करता है तो बंदे के जो इंसानी जो सेंस होते हैं वो और तरह होते हैं। जब बंदा शिकार पर निकला होता है तो बंदे के जो है ना वो सेंसेस किसी और तरह काम कर रहे होते हैं। तो मतलब बात करने का मतलब ये है कि जब बंदा शिकार पे होता है तो बंदे के हाथ वगैरह अक्सर काम पर होते हैं शिकार को टारगेट करने के वक्त है। जब हम आमतौर पर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें हम आसानी के साथ शॉट लेते रहते हैं। तो जब बंदा शिकार पे होता है तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा अपने अपने बंदे ने अपने सेंस जो है ना वो अपने कंट्रोल में रखने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक अभी मैं अगर बर्ड को हंट कर रहा हूँ या किसी भी टारगेट जो है ना वो शिकार कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा मेरे साथ ये होगा कि मैं मतलब मेरे हाथ कांपेंगे समटाइम, ये होगा, या फिर मैं मतलब अपने सेंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जब आप टारगेट शूट करते हैं तो आपको अपने सेंस कंट्रोल में रखने पड़ते हैं, ठीक है। आपका जो राइट वाला हैंड होता है जिसमें आप पाउच को कंट्रोल करते हैं, आपका लेफ्ट या राइट जो भी है, ठीक है, इसको अपने अपने सेंस को कंट्रोल रखना होता है। और दूसरी बात, जब आपका ये जो आपके ये मसल्स हैं इसको आपने कंट्रोल करने होते हैं, मतलब चौथा स्टेप मतलब ये हो गया कि आपने अपने हाथों को कांपने नहीं देना, ठीक है। मतलब अगर आप कांपने नहीं देंगे तो उसको मतलब फिर वो टारगेट ठीक लगेगा उसका। और कुछ दोस्त मेरे कहते हैं कि हम लोग घर पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी जो है ना हमारा जब हम हंट पे निकलते हैं, हंटिंग करने के लिए निकलते हैं, तो हमारा जो है ना वो बर्ड हंटिंग नहीं होती हमसे, ठीक है। मतलब हमारा ना परिंदे का शिकार नहीं होता। तो उसमें यह है कि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाएँ इंशाल्लाह आपका बर्ड हंटिंग भी अच्छी होगी। लेकिन जब आप हंटिंग पे निकलते हैं तो आपको मैंने सबसे ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने आप को कंट्रोल रखना होता है, ठीक है। हालांकि हर बंदे का शॉट लग रहा होता है, मतलब जब वो हंट करने के लिए वो ग्लेल को अपने को एम करता है तो उसका मोस्टली यही केस होता है कि उसके जो हाथ कांपने लग जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है कि उसके सेंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए अपने सेंस को कंट्रोल में रखना है, ठीक है।
बर्ड हंटिंग के दौरान टारगेट शूटिंग के दरमियान, ठीक है, जैसे आप टारगेट शूटिंग घर पे करते हैं बगैर किसी टेंशन के, इसी तरह जब हंटिंग पे निकलते हैं तो तब भी जो बर्ड को हंट करते वक्त, टारगेट शूटिंग करते वक्त अपने आप को, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है। अगर अच्छा शिकारी बनने के लिए यही चीज़ जरूरी होती है कि अपने आप को अपने दोनों हालतों में अपने आप को कंट्रोल करना, जो बंदा कर लेता है वो अच्छा शिकारी बनता है। और पांचवा स्टेप ये है कि आपने डायग्नोज करना है। डायग्नोज क्या है कि आपने एनालिसिस करना है आपका जो टारगेट शूटिंग का रिजल्ट होगा ना, आप घर पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बार बार शॉट ले रहे हैं, तो आपने उसका डायग्नोज इस तरह करना है कि आपने देखना है कि मैं फलां रेफरेंस से जाकर शॉट ले रहा था तो मेरा फलां जगह लगा, और फलां रेफरेंस से मैंने लिया शॉट तो मतलब 2 इंच नीचे लगा, 3 इंच नीचे लगा, राइट लेफ्ट अपर बिलो, ठीक है। इसको आपने जितने मतलब आपके टारगेट शॉट्स होंगे घर पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने उसका एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस को हिसाब किताब रखते हुए। समटाइम पता क्या होता है, समटाइम ये होता है कि मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ कि 90 डिग्री पे ये रेफरेंस है, तो होता क्या है कि अक्सर लोगों का फोर्क जो होता है, उसका जो फोर्क है ना, फोर्क में अक्सर तो कोई गड़बड़ होती है जिसकी वजह से उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा होता, वो जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसलिए आपने डायग्नोज ये करना है कि अगर हम मेरा बताया हुआ रेफरेंस अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आपने ये करना है कि एनालिसिस करने के बाद आपने ढूंढना है कि मैं मेरे इस जगह शॉट लगे हैं, इस जगह शॉट लगे हैं, मुख्तलिफ अपने शॉट को एनालाइज करके, तो फिर आपने देखना है कि इसका जो है ना एग्जैक्ट रेफरेंस कौन सा बनता है, ठीक है। मोस्टली मुझे लोग कहते हैं कि भाई हमारा ये ना रेफरेंस जो 90 डिग्री पे ये नहीं लग रहा, 180 डिग्री पे ये नहीं लग रहा, तो इसमें ये है कि आपने प्रैक्टिस करते जाएं, आप इंशाल्लाह आपका जो है ना वो एक एटलीस्ट फाइनली आपका जो है ना वो रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका एक ऐसा रेफरेंस मिलेगा जो आपको ही पता होगा, ठीक है। जो आपके ग्रिल का अपना रेफरेंस होगा वो मेरा बताया हुआ नहीं होगा, ठीक है। मतलब मोस्टली जो चलता है रेफरेंस वो तो यही होगा, 90 डिग्री पे बताया था आपको और 180 डिग्री पे बताया था आपको। और छठा स्टेप आपका क्या है, छठा स्टेप आपका ये है कि वो सबसे आसान स्टेप यही है, छठा ये है कि आपने प्रैक्टिस करते जानी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जैसे कि वर्क वर्क और वर्क है ना, इसी तरह आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस और वर्क प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस फार्मूले के तहत अगर आप स्लिंग शॉट को चलाना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपको जो है ना आप इसमें अच्छे होंगे, ठीक है।